नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा कौशिक। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं चौराहे के टोटके की। काफी दिन से हम आपको बता रहे हैं कि कई बार जब हम टोटके होते हैं तो वो किस तरह से हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो चौराहे के टोटके जो होते हैं उनसे आपको कैसे बचना है और क्या कुछ उपाय होंगे, उस पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही आपकी समस्याओं के समाधान भी हम आपको बताएंगे और उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का दुर्लभ संयोग पंडित जी से जान लेते हैं। कलेक्टिव कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे चौराहों से जुड़े कुछ ऐसे टोटकों के बारे में जिन्हें ठोकर मारने से, जिन्हें उलांघने से आप हो सकते हैं बर्बाद। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। आज शुक्रवार दिनांक 14 जून सन 2019 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज ही प्रदोष व्रत किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज प्रातःकाल भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और संध्या समय में भोलेनाथ की आराधना से, विशेष पूजन से, प्रदोष के व्रत से, उपाय से आपके सभी सोचे हुए, विचारे हुए मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। आज आपको अपने घर के मंदिर में माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी की विधिवत पंचोपचार पूजन अर्चन करना चाहिए। उससे आपको मिलेगी दरिद्रता से मुक्ति, कंगाली से मुक्ति, दूर होंगी विवाह में आ रही रुकावटें। इतना बरसे का धन माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी की कृपा से कि संभालना भी हो जाएगा आपके लिए मुश्किल। बिल्कुल, तो ये तो हमें आज दुर्लभ संयोग पंडित जी ने बता दिया है कि क्या कुछ है आगे, चौराहे के टोटके के संकेत क्या होते हैं, कैसे इनसे आपको बचना है। पंडित जी इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दिलीप जी का कॉल लेते हैं। ये अजमेर से जुड़ गए हैं। 29 सितंबर 1985 डेट ऑफ बर्थ और 7:29 का शाम का समय। 29 सितंबर 1985 7:29 शाम का समय। स्वागत है दिलीप जी, क्या सवाल है? जय श्री कृष्ण गुरु जी। आपने जो वो को बोला था शादी के लिए, मैं वो खेजड़ी वाली और वो चुगनों वाली नक्षत्र पूजा वो सारी कर ली है, अभी तक हो नहीं रहा रिश्ता, विवाह नहीं हो रहा है ना। 29 सितंबर 1985 शाम को 7:29। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, अभी आपको शुक्र की महादशा और गुरु का अंतर चल रहा है। शुक्र तो है देवताओं के स्वामी और शुक्र है राक्षसों के स्वामी और गुरु है देवताओं के स्वामी। कभी भी शुक्र की दशा में जब गुरु अंतरदशा में होता है तब उतने शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। ये पीरियड आपका अक्टूबर 2016 से आपका ये पीरियड चल रहा है, अक्टूबर 2016 से। अब ये पीरियड आपका ख़त्म होगा जून 2019 में, 15 जून को, कल 15 जून 2019 को। पिछले 3 साल से चला आ रहा शुक्र की महादशा का अंतर और गुरु का प्रत्यंतर आपका ख़त्म होने वाला है। अब आपको शुक्र की महादशा शनि का अंतर शुरू होगा, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। जो भी आपके अड़चने हैं, रुकावटें हैं, वो इस समय के दौरान जून 2019 से 2022 तक ये पीरियड चलेगा। डेट विल बी मच बेटर पीरियड। एक सफ़ेद पुखराज मैंने आपको पहनने के लिए बोला था, उस सफ़ेद पुखराज को भी आप तुरंत प्रभाव से धारण कर लें, सफ़ेद सोने के अंदर इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का, और शीघ्र ही आपके अटके हुए काम पूर्ण होंगे। बिल्कुल, तो दिलीप जी आपको टिप पंडित जी ने दे दिए हैं, वो टिप अपनाइएगा। और आगे निशा जी का कॉल लेते हैं, कोटा से जुड़ गई हैं। 8 अगस्त 1994 डेट ऑफ बर्थ है और 2:30 यानी 2:30 का रात का समय। 8 अगस्त 1994 2:30 रात का समय। निशा जी स्वागत है आपका, सवाल क्या है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा जी, मैं पंडित जी दोबारा कॉल कर रही हूँ। पहले मम्मी ने गलत बता दिया था मेरे बारे में, मेरे को ये जानना है। आपकी 7 की रात का जन्म है? हाँ,
2:30 का, तो 8 की मॉर्निंग हो गई। हाँ जी, 8 की मॉर्निंग, 8 अगस्त 1994 सुबह 2:30। अब प्रश्न पूछो जी। पहला तो मेरी